महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर अभी की यह है कि महायुति में अभी भी 11 सीटें ऐसी हैं जिस पर पेंच अटका हुआ है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। देखिए बीजेपी जो है वो 150 से 153 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, ये जानकारी सामने आ रही है। शिंदे गुट को 80 से 82 सीटें मिलना संभव है और साथ ही सूत्रों के अनुसार एनसीपी अजीत गुट को 55 से 57 सीटें दी जा सकती है। तो ये हो सकता है सीट शेयरिंग का संभावित फॉर्मूला। अभी तस्वीर पूरी तरीके से साफ नहीं हुई है। 11 सीटें ऐसी हैं जिस पर पेंच बाकी है और यही 11 सीटें मुश्किल बनी हुई हैं, गुत्थी को उलझा रही हैं, सुलझ नहीं पा रही। ये 11 सीटों का मामला अगर हल हो जाएगा तो फिर महायुति में सीट बंटवारे की समस्या का, मतलब आप ये जानिए, समाधान हो जाएगा। लेकिन वही मामला आकर अटक जाता है, 11 सीटों पर बात बन नहीं पा रही। सब अपना अपना दावा 11 सीटों को लेकर ठोक रहे हैं। आखिरकार हल क्या निकलेगा, कैसे निकलेगा, यही वो सबसे बड़ा सवाल जिसका जवाब अभी मिल नहीं पा रहा। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारी सहयोगी मेघा प्रसाद इस समय मौजूद हैं, साथ ही मृत्युंजय सिंह भी मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जरा पहले मेघा का रुख करते हैं और जानते हैं, मेघा, बाकी सारी सीटों को लेकर कोई दिक्कत नहीं, 11 सीटें 288 में से ऐसी जिसको लेकर महायुति में पेच अटका हुआ है? रुमाना, आप ऐसा कह सकते हैं कि एटलीस्ट 11 सीट ऐसी हैं जिस पर अभी सहमति नहीं बनी है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि मामला बुरी तरीके से फंसा हुआ है, ऐसा नहीं है। जनरली जब इतनी सारी पार्टीज एक साथ होती हैं तो इतना समय लग ही जाता है सारी चीज़ों को स्मूदन आउट करने में। तो अभी जो बड़ी खबर है वो ये है कि 288 सीटों में, रुमाना, एटलीस्ट क्लैरिटी ये हो गई है कि बीजेपी के पास 150 से 153 रहेंगे और 80 से 82 के बीच में शिवसेना जो शिंदे गुट है उनके पास है और 55 से 57 दैट इज 55 से 57 एनसीपी अजीत पवार के पास में रहेंगी। तो ये इस पर तो सहमति बन गई है। और मैं आपको बताऊं, ये 11 सीट की जो हम बात कर रहे हैं उस पे भी लगभग, उनमें से 9 सीट पर भी लगभग एक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, लेकिन वो फाइनल अंडरस्टैंडिंग के लिए वेट कर रहे हैं। 2 ऐसी सीट है जिस पर क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं आई है। तो ये 11 सीट को अगर हम अलग रखें, और मैं आपको बताऊं, क्योंकि नॉमिनेशन 29 तारीख तक होने वाला है तो बी फॉर्म तो लोगों को दे दिया जा रहा है, जिनको जिनको जहां जहां क्लैरिटी हो गई। अब 11 सीट को छोड़कर समझिए कि सारी बाकी सारी सीटों पर इन्होंने कैंडिडेट अपना तय कर लिया है, फॉर्म्स उनको दिए जा रहे हैं, उनका नामांकन अब होने वाला है इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। जैसे आज देवेंद्र फडणवीस जी खुद भी अपना नामांकन भर रहे हैं नागपुर से, अब पिछले अगले 5-6 दिन में ये सब क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल, एक तरफ बीजेपी ने 99 उम्मीदवारों की लिस्ट पहले ही जारी कर दी, इसके अलावा एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से 45 उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए गए, लिस्ट सामने आ गई। इसी तरीके से अजीत गुट, करीब 38 उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट जारी कर दी गई। तो कुल मिलाकर वो सहमति का काम भी साथ के साथ, और जो सीटें अटकी हुई हैं उनका पेच सुलझाने का काम भी साथ के साथ, और फिलहाल महायुति में जो सुई आकर अटकी हुई है, जैसा कि मेघा हमें बता रही थी, वो अब बात 11 सीटों पर आकर फिलहाल अटकी हुई है और इनको भी जल्द सुलझा देने की उम्मीद है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।